सामान उधर रख दे भैया, है ना। अब चलो भैया, चलो भैया बत्रा वाली के जल्दी से हमें चावल वाले पापड़ दिला लाओ आप। चलो क्या भाई, अभी तो तू चने के पापड़, भलाना के पापड़, ढिमका कांगड़ा, पूरी गाड़ी भर ली तूने। तो मियाँ रमजानों के अंदर सामान आता है घर में, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती है सब बात? अरे तो क्या इतना सामान आता है? अरे तो भैया तेरे तुम्हारे तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी मेरे इतने इतने पापड़ फ्राइज भी तो खा लेती है, तो उसका अफ्तार करो, रोजे भी एक रखती हो, तुम भी रोजे ही रखते हैं। मेरी बहन दिख गई, मेरी अम्मा, तेरा पूरा परिवार रमजान में मेरे घर पड़ा। अरे तो जुमे जुमे तो आएंगे भैया, लड़की दिए तो अपने घर भी नहीं आए हो। जुमे जुमे जाते हैं, आते नहीं है, जुमे जो पूरे रमजान वहीं पड़े रहेंगे। अरे आएंगे भैया, आएंगे भैया, हमारे मैं दिलाऊंगा भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना। रमजान लोगों के रहमत बन के आते हैं, मेरे यहाँ पे अजाब बन के आ रहे हैं। तुमने बनाई हमारी जिंदगी अजाब, अजाब तुमने बनाई हमारी। अच्छा मैंने बनाई, और मेरी तो बड़ी बड़ी खुशियों में चल रही है। लड़के की सुनने का किरा बेटा, मुझे किंडा जो चाहिए, मैं किंडा जो रोजे पूरे रखेगा, लेकिन स्कूल भी फिर पूरा ही जाएगा, पड़ेगा बेटा स्कूल तो जाएगा। तो ये मेरा सामने नहीं चलेगी तेरी तरकीब। अल्लाह मेरे अब्बा को जहन्नम में डाल दे, मेरे रोजे रखते हुए स्कूल भेज रहा है। बाप को जहन्नम में पहुंचा रही, यही सिखाती है तू इसको, तू जाएगी जहन्नम में। तो पहले ही मैं 10 की 10 बातें बुरा मानने में लग जाता हूँ, बुरा माने जाता हूँ लोगों से। ऊपर से तू और राजा मुझे चढ़ा दे मेरे बीवी के खिलाफ, वो मेरे घर का काम लगवा दे। बेटा मैं चढ़ा नहीं रही हूँ, ये मैं तेरे को एक राय दे रही हूँ, औरत का इतना दीवाना मत हो। तेरे को दिन में 4 बार गेल चौदा बनाए वो। भोपाल में, अरे हमारे यहाँ पे भैया पागल को कहते हैं गेल चौदा, समझ गया? तेरी एक जगह कहीं ढेके टिकने दे तो बड़ी बात हो। अरे ये ढेके, काला औरत की 2-4 बात मानना पड़ती है घर गृहस्थी बचाने के लिए, तो मानती नहीं बेटा। जब हम तेरे यहाँ रिश्ता लेके आए थे तो ये डोले शोले देख के हमें लगा तू तो झांकी मंडप डाल रही था जगह, हमें लगा कि चलो कुछ तो करेगा ये। शहर में बहुत झांकी मंडप है आज भी अपना। अरे ना इज्जत और टोरा झांकी मंडप हमारे आदमी का है, घर में आती हंसते हंसा देता है, चलते फंसा देता है। अरे फंसा देता मतलब चाकू चाकू। अरे मेरी बात सुन, उसकी बातों में मत आना, भगा दे उसे, भगा। अरे शुएब भाई क्या होगी? अरे भाई मत पूछो यार, रोजा लग रहा है यार अभी से। अरे भाई अब यार सेरी के भी तो रहता है यार, इतनी इतनी सेराई करेंगे तो क्या होगा यार। बगैर सेरी का रखा मतलब? नहीं थोड़ी सी की थी यार बस, ज्यादा। अच्छा बस पानी वानी पिया था? नहीं यार भाई, अम्मी ने कोरमा बनाया था, कोरमे से सिर्फ 4 रोटी खाई मैंने। अब भैया 4 रोटी खा ही रहा था, इतने में चाय आ गई सामने, तो मैंने कहा कोरमा साइड करो पहले चाय, क्योंकि तुझे मालूम है अपन भोपाली हैं, अपन को पहले चाय लगती है। जैसे ही मैंने चाय ली भैया 3 तोस उससे खाए, चाय से जैसे 3 तोस खाए तो अम्मी भैया कोरमे की प्लेट उठाने लगी, तो मैंने कहा अम्मी खा ले जा रही हो कोरमे की प्लेट आप, तो मैंने उस कोरमे की प्लेट ली और आधा शीरमाल लेके उससे कोरमा साफ करा भाई। बस क्या हुआ यार, अम्मी कहने लगी टाइम होने वाला, टाइम होना है, मैंने पानी नहीं पी पाया मैं तो यार, मैं जैसे ही पानी नहीं पिया ये बोलो। नहीं नहीं भाई वो पानी नहीं पिया, जैसे पी रहा था तो सिर्फ आधा जग में पानी पी पाया, आधा जग ही पी पाया। इतने में अम्मी ने ला के कहने लगी लो दही खा लो, इसके अंदर इलायची है। अब जैसे ही मैंने दही खाया, मैंने सिर्फ 2 कटोरी दही खाई और तोप चल गई भाई। जैसे ही फजीर का टाइम हुआ ना, नमा नियत के अंदर मेरा मालूम है मुझे प्यास सी लगने लगी। अरे तो खा हमारा तो फिर हम मर जाएंगे। अरे तुम्हें जब इतना खाने के बाद दे देखो डकार मार। अरे अरे भाई वो, अरे हम मर जाएंगे, खाली पेट की डकार है भाई। अरे भूख अलग शायद। कैसे मुसलमान हो तुम, कैसे मुसलमान हो, रोजा लग रही है कहते फिरते दिन भर, ये पालिश करके तुम्हें हमारी तरह हमारी पालिश है, हमने रोजा रखा, हम रखते हैं रोजा, लगता ही नहीं है अल्लाह की तरफ से रोजा, समझिए। तुम्हें इतना इतना हफ्तियों की तरह पेन भी तो जाती हो, 10 रोटी तो 8 कबाब 4 10 रोटी 8 रोटी नहीं कह सकता, 4 कह सकता, समझ गया? बिना पानी के रोजा आज मेरा, बिना पानी। दही तो खाया होगा ना? दही नहीं खाया यार, वो पानी पी लिया था, इतने में अब्बा ने शरबत ला दिया था, जबकि मैं इससे कर लू रोजा, समझ गया? फिर भी लग नहीं रही है। अबे आज पागल हो रही है कैसा आदमी, रोजगार को ये सब पिला दिया। पागल मांगा लेगा ये कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट और ये दो किन्ने, ये किन्ने?
दो पी लिया। अरे अरे इंसान दो दो कोल्ड ड्रिंक ढकोस लिया, रोजगार में परेशान कर दिया, खाली कुरंदा पी दिया, इतना इतनी सेवी करता फिर भी रोजे नहीं रखता। अरे आप तो भाई वो थोड़ा किडनी का दिक्कत। मार्केट में रोला जमा के आ चुके हैं और सबसे कह दिया है कि अपन रोजे में बहुत चटकते हैं, अपन से कोई चूचा नहीं करे क्योंकि अपना रोजे के अंदर माहौल थोड़ा गर्म रहता है। बस इस औरत को आज और समझा दूँ, अगर ये मुझसे कुछ इतना सा भी बोली कि मैंने आज इसका काम तमाम करा, रोजा अपन से बर्दाश्त नहीं है। अरे सुनो। हाँ। सामान लेके नहीं आ रहा है? सामान हाँ, ले आता हूँ ना। चिल्ला को रही ला रही हूँ। सुनो। हाँ। शरबत के लिए नींबू ले आओ। भाई नींबू नहीं लाऊंगा मैं, नींबू 10 रुपए का एक है, इतना महंगा कुछ बनाना, तू तो मीठा पानी बना लेना, कुछ भी कर लूंगा मैं तो। हेलो हेलो। हाँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे मैं रमजान में नहीं उठा सकता फोन, रमजान में मैं घर में रहता हूँ। ओ हाँ, अभी तक। हेलो, जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं वो शैतान के साथ 1 महीने के लिए बंद है, डायरेक्ट ईद की सुबह को फोन लगा सकते हैं।